दोस्तों अगर आप भी युजवेंद्र चहल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में जल्द ही दो सीरीज का आयोजन होने वाला है और इस सीरीज से पहले युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी में अपनी धाक जमा दी है। साथ ही उन्होंने श्रीलंका की टीम को चेतावनी देते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको सुनने के बाद शायद आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको चहल ने अपने बयान में क्या कहा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल में कौन है बेहतरीन स्पिन गेंदबाज, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय युवा टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर मौजूद है, जहां टीम को दो सीरीज खेलनी है श्रीलंका के साथ। पहली वनडे सीरीज 13 जुलाई से शुरू होगी, जिसके लिए खिलाड़ी जमकर अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच युजवेंद्र चहल ने अपनी शानदार गेंदबाजी से एक बार फिर से सभी को हैरान कर दिया। दरअसल टीम को भरोसा दिलाते हुए कुछ ऐसा कहा उन्होंने जो आपका भी दिल जीत लेगा। इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब फॉर्म से जूझ रहे युजवेंद्र चहल ने भरोसा दिलाया कि श्रीलंका के खिलाफ होने वाले लिमिटेड ओवर सीरीज में वो दमदार प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी वनडे सीरीज में अधिक कॉन्फिडेंस से भरा युजवेंद्र चहल नजर आएगा। चहल ने बताया कि वो अपने पास मौजूद वेरिएशन पर काम कर रहे हैं और इसके सहारे वो श्रीलंकाई बल्लेबाजों को जमकर परेशान करेंगे, उनकी परीक्षा लेंगे। चहल को इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई घरेलू वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया था। T20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए चहल के पास खुद को इंटरनेशनल लेवल पर साबित करने का ये आखिरी मौका होगा। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत करते हुए चहल ने कहा कि मेरे पास कुछ वेरिएशन यानी कि विविधतापूर्ण गेंदबाजी है और मैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान लगा रहा हूं, अन्य गेंदों पर नहीं। इस सीरीज में आपको अधिक आत्मविश्वास से भरा यूजी दिखेगा। मैं सिर्फ अपने एंगल पर काम कर रहा हूं और अधिक गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले साल नवंबर में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पिछला वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले चहल ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरी फॉर्म में गिरावट आई थी या ऐसा कुछ हुआ था। आप हर मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, मैं अपना बेस्ट प्रदर्शन करूंगा, ये सीरीज मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोस्तों चहल ने रणतुंगा पर निशाना साधते हुए टीम का बचाव किया है। भारत के पास प्रतिभा की कमी नहीं है, इसीलिए टीम को दूसरे दर्जे की टीम नहीं कहा जा सकता। दुनिया भर में इस समय रोटेशन के आधार पर ही खिलाड़ियों का चयन हो रहा है, क्योंकि लगातार बायो बबल में रहना आसान नहीं है। युवा खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए भी ये मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण है। भविष्य में भी शायद ऐसा ही होगा। अगर आप दूसरे या तीसरे दर्जे की टीम भी भेजते हैं तो वो तीसरे दर्जे की नहीं होगी, बल्कि वो रोटेशन के तहत किया गया बंदोबस्त है। दोस्तों इस तरह से युजवेंद्र चहल ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका की टीम को पूरी तरह से चेतावनी दे दी है कि चहल श्रीलंका को बुरी तरह से इस मैच में उखाड़ फेंक देंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले पहले वनडे मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, भारत या फिर श्रीलंका? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।